हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। विषय बहुत ही खरा है, ध्यान से देखें। विवाह के बारे में बाइबल क्या कहती है, कि हम विवाह अन्य जातियों में कर सकते हैं या नहीं, आइए देखते हैं पौलुस क्या कह रहा है अपनी पुस्तक में। पहला कुरिन्थियों 7:26 में लिखा हुआ है, सो मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। पौलुस उन लोगों से कह रहा है जिनका विवाह नहीं हुआ है, और परमेश्वर उन लोगों से क्या कह रहा है जिनके पहले से पत्नी है। पहला कुरिन्थियों 7:27, यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर। देखिए, अगर आपके पास पत्नी है, ठीक है भैया, अगर आपके पास पत्नी है तो उसे लड़ाई झगड़ा करके उसे अलग होने की कोशिश मत कर भैया। आगे और आगे लिखा हुआ है, और यदि तेरे पत्नी नहीं है तो पत्नी की खोज ना कर भैया। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हमें पत्नी की खोज नहीं करना है भैया, ठीक है, हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, ठीक है भैया। तो ये सब उसके तुम्हें ऐसे इनाम में, मुफ्त में, गिफ्ट में परमेश्वर दे देगा आपको, ठीक है। देखिए, अगर आपको अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है भैया, ठीक है, तो शादी कर लो। इधर उधर ताका मुक्की करने से अच्छा है, अच्छा रहेगा, ठीक है, पाप से बचे रहोगे, ठीक है भैया। पहला कुरिन्थियों 7:8 में लिखा हुआ है, तो मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ, पौलुस कह रहा है कलीसिया से, कलीसिया के लोगों से, कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। पौलुस कह रहा है अविवाहितों मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, और विधवा जिनका पति नहीं है, पौलुस कह रहा है जैसा मैं हूँ। अगर आप शादी करना चाहते हो अगर आपको अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है तो भैया शादी कर लो, इसमें कोई पाप नहीं है, ठीक है भैया। अगर शादी कर लोगे तो आप इधर उधर ताका मुक्की करने से बच जाओगे, पाप से बच जाओगे, व्यभिचार से बच जाओगे, ठीक है। मगर आज के समय में हमारे मसीह भाई बहन, खासकर लड़कियां सोचती हैं अन्य जातियों में लड़का नहीं होगा चलेगा, अन्य जातियों में हम शादी कर लेंगे भाई, प्यार करेंगे, पहले से शादी कर लेंगे, अपने हाथों से अपने शादी का डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, बाद में उनकी उससे भी ज़्यादा हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो बाइबल हमें इजाज़त देती है कि हम मसीह में ही शादी करें, ना कि अन्य जातियों में। बाइबल हमें इस विषय में आज्ञा नहीं देती है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक है। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जवानी को भ्रष्ट कर रहे हैं, और वे विचार जैसे महापाप को बड़े मजे से कर रहे हैं भैया, जिसकी सजा नर्क में अनंत काल की है। आज हमारे मसीह भाई बहन शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं लड़का लड़की के साथ, घर के लोगों का बाहर जाने का इंतजार करते हैं, वो समय मौका ढूंढते हैं ताकि अपने प्रेमी या प्रेमिका को बुलाकर अपने घर में व्यभिचार करें, शारीरिक संबंध बनाएं। आज यही तो हो रहा है। लड़कियां खासकर ज़्यादा ही सोचती हैं कि मैं मसीह में लड़का नहीं होगा चलेगा, पहले से रिलेशनशिप चलता है और शादी कर लेते हैं, मन मौजी रिश्ता तय कर लेते हैं। मगर इस विषय में परमेश्वर ने आज्ञा नहीं देता है कि तुम अन्य जातियों में शादी करो, ये पाप है, व्यभिचार है, ठीक है। देखिए, जिनकी शादी हो गई है, पति पत्नी है, तो उनको अलग ना करें कोई, ठीक है, वे एक तन है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य उसको अलग ना करें मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है, अलग नहीं कर सकते जैसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, ठीक है, परमेश्वर के हिसाब किताब से जीवन बिताइए, वचन के अनुसार चलिए, ठीक है। अगर आप अपने सिर पर कंट्रोल कर पाओ, ठीक है भैया, तो शादी मत करो। जैसा पौलुस है, पौलुस ने कहा है जैसा मैं हूँ क्लेश के कारण जैसा मनुष्य है वैसा ही रहे, ठीक है। आप तो देख ही रहे हो भैया, इधर उधर भूकंप हो रहा, लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहे हैं, ठीक है, क्लेश के कारण। तो इसलिए पौलुस कह रहा है जैसा मैं हूँ वैसा रहना अच्छा है। अगर यदि भैया आपको अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है, अगर आप अपना शरीर नहीं रोक पा रहे हो, तो शादी कर लो, इसमें कोई पाप नहीं है, इससे आप बच जाओगे व्यभिचार करने से, इधर लड़कियाँ के चक्कर से बच जाओगे, ताका मुक्की करने से बच जाओगे, ठीक है, वरना शैतान आपको परखेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पाप में गिराएगा, व्यभिचार में गिराएगा, नर्क ले जाने की कोशिश करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है। आशा करते हैं छोटा संदेश आपको समझाया होगा, ठीक है। इस वीडियो को दबा के शेयर करके क्या पता किसी का मन ही बदल जाए, ठीक है। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक, आमीन।